अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आज मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम भिंडी बना रहे हैं, भिंडी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो भिंडी है, इसको इस तरह मैंने मोटा मोटा काट लिया है। चार टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया छिलका उतार के। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, छोटी हरी मिर्चें थी इसलिए इनको मैंने चॉप किया है। धनिया है गार्निश के लिए 2 टेबलस्पून। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। इसलिए मुझे चाहिए आधा टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और 3/4 कप ऑयल है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। मिर्चें जो हैं वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्चें तेज़ होती हैं और इसमें हरी मिर्चें मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए मैं मिर्चों को देख के करूँगी। तो चलिए आज इसका कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3/4 कप ऑयल ले लिया। इसमें हम भिंडी को फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और क्रिस्पी सी भिंडी बने। 2 बैचेस में फ्राई कर लेंगे तो जल्दी होगा। ये भी आपको तेल कम और भिंडी ज़्यादा लग रही, लेकिन भिंडी जैसे जैसे फ्राई होती जाती है वैसे वैसे छोटी होती जाती है, तो तेल इनफ होगा। इसको हम डीप फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक, हल्का सा ब्राउन कलर इसे लाएंगे हाई फ्लेम पे। देखिए डीप फ्राई हो गई, इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म होगी। इस कलर में मुझे चाहिए, या मैं निकाल लूँगी इसको और हम अपना दूसरा बैच फ्राई करेंगे। ये देखें, हल्का सा ब्राउन कलर आया है, इसका ग्रीन कलर भी नहीं ख़त्म होना चाहिए वरना बहुत डार्क सालन बनता है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात के साथ आप इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए ये भी फ्राई हो गई, इसको भी निकाल लेते हैं। दोनों बैच हमारे फ्राई हो गए, अब इसमें हम प्याज को लाल करेंगे इसी ऑयल में। प्याज को ब्राउन करेंगे इसी ऑयल में हम। ये देखिए इतना ब्राउन करना है हमने इनको, थोड़ा सा ब्राउन है और थोड़ा सा ब्राउन नहीं है। इसमें हम डालेंगे नमक, अपने जायके के हिसाब से आप डालें, मिर्चें भी अपने जायके के हिसाब से डालें, हल्दी है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ये 4 टमाटर हैं, बड़े साइज के टमाटर थे, इनको मैंने छिलका उतार के चॉप कर लिया है। इसको अब अच्छा सा गलाएंगे हम इसके अंदर। इसकी आंच थोड़ी सी हम मीडियम कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अपने ही पानी में गल जाए, मीडियम से थोड़ी सी लो। ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर अच्छा सा गल जाए। टमाटर गलेगा तो फिर हम इसमें भिंडी और हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए मसाले का रंग कितना खूबसूरत आया है। ये अब टमाटर हमारा ऑलमोस्ट गल गया है, थोड़ी सी कसर है इसमें, थोड़ा सा इस तरह आप इसको दबा दबा के सेट कर लें। इस टाइम आप इसका नमक मिर्च चख सकते हैं, नमक मिर्च का, ये मैंने मिर्चें डाल दी हैं इसमें सारी। अब चूंकि टमाटर हमारा गल गया है ऑलमोस्ट,
तो हम ये भिंडी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये जो इसका ऑयल है वो सारे इसमें शामिल कर लें। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बहुत ही लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है सब्ज़ी। अच्छी बनी हो तो उसको खाने का मज़ा ही और होता है। भिंडी डाल के आपने इसको थोड़ी देर दम पे रखते हैं ताकि आपका जो है मसाले का सारा टेस्ट भिंडी के अंदर आ जाए। इसको एक 5 मिनट हम दम पे रखेंगे और फिर हमारी भिंडी तैयार है। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद ये हमारा तैयार है। घी छोड़ दिया है भिंडी में, इस पर आप अभी हरा धनिया जो आपको बताया था गार्निश के लिए वो डालें। गरम मसाला डाल के इसको सर्व करें। बहुत ही लजीज भिंडी है, आए इसको सर्व करते हैं। ये हमारी भिंडी का फाइनल लुक है। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।